नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। कृषि की नई तकनीक के प्रति किसानों का भरोसा पैदा करना होगा, परंपरागत तरीके को छोड़कर नई तकनीक से खेती करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की किसानों को सलाह, किसानों को यह सलाह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ICAR के स्थापना दिवस समारोह में मोदी ने पानी की बर्बादी न करने और जमीन सुधार पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि नई तकनीक से किसानों को उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि में विज्ञान की जरूरत पर जोर दिया गया। तो उसकी मालिकी बना देते हैं, वो राष्ट्र की धरोहर है, उस गौरव गान के साथ उसको जोड़ते नहीं है। मैं वो चीजें बता रहा हूं आपको जिसके लिए कोई बहुत बड़ा बजट नहीं लगता है, बहुत बड़ा एकदम कोई सूर्य चंद्र पर से विज्ञान उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, सहज व्यवहार की बातें हैं। और आप देखिए ये ताकत इतनी बढ़ जाएगी। आज भी हमारे यहां पल्सिस एंड ऑयल सीड्स बहुत बड़ी चैलेंज है। क्या हम पल्सिस का उत्पादन और पल्सिस में प्रोटीन कंटेंट, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए प्रोटीन का सोर्स यही है, उस गरीब आदमी का भला करना है तो उसको वो पल्सिस मिले, प्रोटीन जिसमें ज्यादा हो, ताकि उसकी जिंदगी में वो काम आए, हम इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। ऑयल सीड्स, भारत कृषि प्रधान देश हो और हमें तेल बाहर से मंगवाना पड़े, खाने का तेल। अगर लाल बहादुर शास्त्री कहें जय जवान जय किसान और हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो जाए और हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए सामर्थ्य पैदा कर दे, तो क्या हमारे हिंदुस्तान के किसान के सामने ये चैलेंज नहीं रख सकते? भाई हमने कुछ करना है, अब खाने का तेल हम बाहर से नहीं लाएंगे, आइए हम सब मिलकर मेहनत करें, देश की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाएंगे कदम। हम गोल सेट कर सकते हैं क्या, गोल अचीव कर सकते हैं क्या? अगर जब तक हम सामान्य मानवीय की आवश्यकता और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसंधान में हमारी डिजाइन स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं करते और उसके अनुसार रिसोर्स मोबिलाइज नहीं करते और उसके अनुसार ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का कोशिश नहीं करते, तो हम जो चाहिए वैसा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आज इस प्रकार के प्रमुख लोग यहां बैठे हैं, हम सिर्फ एनालिसिस करके भी हाँ नहीं होता है ना, ये नहीं होता है, उसका एनालिसिस इनफ नहीं है, कैसे हो उसका एनालिसिस कैसे हो, इस पर हम कैसे कर सकते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, भारत के तिरंगे के झंडे में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर का अशोक चक्र है उस रिवॉल्यूशन को भी देखने की आवश्यकता है। और वो ब्लू रिवॉल्यूशन है हमारी सामुद्रिक संपत्ति फिशरीज, उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट, बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट पड़ा हुआ है, हमारे फिशरमैन की जिंदगी बदले। उसी प्रकार से कई बातें हो रही है, ऑर्नामेंटल फिश एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल गया है, अब मोती का खेती हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे कोस्टल, हमारी साइंसिफिक फैकल्टी और हमारे मछुआरे और हमारे समुद्र तट पर रहने वाले नागरिक, सी वीड की खेती साइंटिफिक ढंग से कैसे हो, सी वीड आने वाला इन दिनों फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इनपुट है, ग्लोबल मार्केट है सी वीड का। लेकिन हमारे समुद्र तट पर सी वीड की खेती का भी हम उतना साहस नहीं कर पा रहे, और सी वीड में भी इतनी वेराइटीज है, इतना पोटेंशियल है उसके अंदर। सी वीड अगर मानो मनुष्य के लिए उपयोग आए ना आए, खाली उसका ऐसे ही घर में क्रश करके उसका रस बना करके खेत में छांट दिया जाए तो खेती के लिए वो बहुत बड़ा दवाई और फर्टिलाइजर दोनों का काम कर देता है। क्या कारण है कि हिमालय हमारे पास हो और चाइना के पास भी हिमालय का कुछ भाग हो, चाइना हर्बल मेडिसिन में बहुत आगे हो और हम मेडिसिनल प्लांट के संबंध में धीरे धीरे चिंता के क्षेत्र में चले जाए, मेडिसिनल प्लांट के संबंध में हमारा कोशिश क्या हो, हम क्या नया दे सकते हैं, हमारे मेडिसिन प्लांट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दिस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये चार मिलकर के उस विषय में क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूं इतने सारा बड़ा स्काई इज द लिमिट इस प्रकार का क्षेत्र हमारे सामने खुला पड़ा है।
अगर हम सब मिलकर के इस नई सोच के साथ उस दिशा में आगे करें बढ़ें तो हम आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत को न कि विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। जिन महानुभावों ने इस काम को योगदान किया है, जिनका अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिला, फिर से एक बार उनको मैं बधाई देता हूं। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है एक नई दिशा की, एक नई सोच की, बात की है एक नए विजन की, अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर किसी कृषि क्षेत्र में खासकर ये तवज्जो देने की बात की जा रही है कि कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल हो, नए तरीके का इस्तेमाल हो, पुरानी सोच और पुराने तरीके से अगर अभी तक परिणाम नहीं निकले हैं तो नई सोच लाना ही पड़ेगा। यहां पर जैसे वो मैनेजमेंट स्कूलों में बताया जाता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, यानी आगे भी बढ़ो और पूरी तरह फैलो भी, और इस तरीके से अपने आप को बढ़ाओ कि कृषि के क्षेत्र में भारत जो है वो आगे बढ़े। किसानों को सलाह दी है, नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही है। जाहिर सी बात है, एक सोच बहुत बड़ी है, इस सोच में किस तरीके से किसानों को मदद मिलेगी इसकी भी बात की है।